भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने आज बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। सबसे पहले आपको बता दें कि पहली पारी का पूरा ब्यौरा देने से पहले कि श्रीलंका के कप्तान दसुन शनका ने टॉस जीता और टॉस जीतकर किया यहां पर पहले गेंदबाजी का फैसला और भारतीय टीम को कहा कि आप आएं और बल्लेबाजी करें। हालांकि भारतीय टीम आखिरी 5 ओवरों में उतने रन नहीं जोड़ पाई, नहीं तो आज 400 सवा 400 बोर्ड पर दिख रहे थे 50 ओवरों के गेम पे। लेकिन अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम ने अब तक काफी जानदार प्रदर्शन किया है। बड़ी बात यह है कि यहां पर टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर यहां पर करीब 20 ओवरों में 140 के पार स्कोर को पहुंचाया। इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल यहां पर 60 गेंदों में 70 रन बनाकर दसुन शनका का शिकार बने। 11 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े। इसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच अच्छी 30 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 24वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा 67 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुए। मधुशंकर ने उन्हें सीधा बोल्ड मारा, 9 चौके 3 छक्के रोहित शर्मा ने अपनी पारी में जड़े। अच्छा मोमेंटम उन्होंने प्रदान किया। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच यहां पर 40 रनों की एक अच्छी साझेदारी हुई, जिस साझेदारी ने भारत को 200 के पार पहुंचाया। श्रेयस अय्यर 24 गेंदों में 28 रन बनाकर डिसिल्वा का शिकार बने। फर्नांडो ने अच्छा कैच उनका लपका। इसके बाद विराट कोहली आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, 45वां शतक उनके करियर का यहां पर आया है। बड़ी बात यह है कि 87 गेंदों में 113 रन विराट कोहली ने बनाए, 12 चौके 1 छक्का उन्होंने जड़ा। केएल राहुल 29 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। विराट के साथ 90 रनों की साझेदारी की, 4 चौके 1 छक्का उन्होंने जड़ा। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 14 रन बनाकर अजीता का शिकार बने। डिसिल्वा ने उनका अच्छा कैच लपका। अक्षर पटेल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 370 के जो पार पहुंचने का जो लक्ष्य रखा था भारतीय टीम ने, उस तक पहुंचने में भारतीय टीम पूरे तरीके से कामयाब रही। अंत में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ खास बड़ा कमाल वो नहीं कर पाए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टीम इंडिया की यदि बात की जाए तो भारतीय टीम यहाँ पर एक अच्छा लक्ष्य श्रीलंका को देती हुई नजर आ रही है। विराट कोहली के शतकों का इंतजार काफी दिनों से था, काफी पहले से। विराट कोहली जो कि पिछले 3.5 साल से भारत में कोई शतक नहीं जड़ पाए थे, फिलहाल फाइनली उनका शतक जो है वो आता हुआ नजर आया। अगर श्रीलंका के गेंदबाजों की बात की जाए तो कसुन रजिता 10 ओवर 88 रन 3 विकेटें, दिलशान मधुशंका 6 ओवर 43 रन 1 विकेट, वनिंदु हसरंगा 10 ओवर 67 रन कोई सफलता नहीं, चमिका करुणारत्ने 8 ओवर 52 रन 1 विकेट, दुनित विलागले के 8 ओवर 65 रन कोई सफलता नहीं, दसुन शनका 3 ओवर 22 रन 1 विकेट, धनंजय डिसिल्वा 5 ओवर 33 रन 1 विकेट, जिसकी बदौलत भारतीय टीम को एक अच्छा लक्ष्य मिला है। बड़ी बात यह है कि आज के मुकाबला शुरू होने से पहले काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर रोहित शर्मा की यदि बात की जाए तो रोहित शर्मा पर सवाल खड़े हुए थे। ईशान किशन जो कि इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, 210 उन्होंने बनाए थे, दोहरा शतक जड़ा था, उनकी जगह क्यों शुभमन गिल को खिलाया गया, केएल राहुल को क्या टीम में रखने के लिए एक अलग साजिश की जा रही है, सूर्य कुमार यादव इनफॉर्म खिलाड़ी को क्यों बाहर रखा जा रहा है टीम से, इस तरीके के तमाम सवालात थे। लेकिन इन सवालों के अब सीधा जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने 373 रन यहां पर बोर्ड पर लगा दिए हैं। श्रीलंका को 374 रनों का लक्ष्य यहां पर टीम इंडिया ने दिया है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम अब किस तरीके से इस लक्ष्य को बचा पाती है। कोई सेफ लक्ष्य नहीं है ये, क्योंकि ड्यू फैक्टर है और ड्यू फैक्टर में आसान नहीं होता है कि आप जब इस तरीके की बल्लेबाजी के सामने या फिर इस तरीके की गेंदबाजी के सामने देखते हैं, लेकिन आज बहुत जबरदस्त अभी तक की बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से हमने देखी है। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली का आज जलवा हर जगह देखने को मिला। अगर बात की जाए उनकी पारी की तो सभी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। पुराने विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जिसकी जरूरत थी यहां पर भारतीय टीम को, और उसी जरूरत को यहां पर विराट कोहली ने पूरा किया और जबरदस्त तरीके से फिलहाल यहां पर भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 373 रन बोर्ड पर लगा दिए। ये स्कोर 400 सवा 400 हो सकता था, लेकिन इस स्कोर को महज 373 पर रोकने के लिए श्रीलंका की भी तारीफ की जानी चाहिए। सभी गेंदबाजों ने अपने अपने तरीके से काफी अच्छी कोशिश की, जिसकी वजह से भारतीय टीम एक बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।